नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश चंद्र फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज मैं आपके लिए हीट ट्रांसफर ऑपरेशन में एक न्यू टॉपिक फॉलिंग फिल्म एब ऑपरेटर लेके आया हूं। ठीक है, आज हम इस एब ऑपरेटर या फॉलिंग फिल्म एब ऑपरेटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है, इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, ये क्या है, इस एवोपरेटर में, ठीक है, एक सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, ये क्या है, सेलेंट ट्यूब वर्टिकल सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। और ठीक है, उसकी बॉटम से एक लिक्विड वेपर सेपरेटर कनेक्ट रहता है, जिसकी सहायता से लिक्विड और वेपर सेपरेट होते हैं। ठीक है, अब मेन काम यहां पर इसका ठीक है, जो वर्टिकल हीट एक्सचेंजर है, इसमें एक वर्टिकल ट्यूब बंडल होता है, जिसमें हमारा ठीक है फीड फ्लो होता है, फीड फ्लो होता है और सेल साइड स्टीम फ्लो होती है। ठीक है, पर इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी मॉडिफाइड होती है। अब इसको बना कैसे आता है, इसमें जो हमारी फीड है वो टॉप से फीड की जाती है, और फीड जो हम होगी वो हमेशा ही ठीक है क्या ट्यूब्स में फ्लो होगी, फिल्म की तरह ट्यूब्स में फ्लो होगी। ठीक है, और बॉटम तक पहुंचते ठीक है जो सेल साइड फ्लूड है उसके द्वारा हीट अप होगी, और बॉटम से हमें कंसंट्रेटेड ठीक है लिक्विड मिक्सचर और वेपर का मिक्सचर प्राप्त होता है, जिसे हम ठीक है वेपर लिक्विड सेपरेटर में भेजते हैं। वेपर लिक्विड सेपरेटर में वेपर्स को और कंसंट्रेटेड लिक्विड को सेपरेट करके हम ठीक है प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब इसमें सेलेंट ट्यूब से ठीक है क्या होता है, कुछ स्पेशल होता है। अब ये बना किस तरीके का होता है, ठीक है, जो ट्यूब सीट होती है टॉप पर, जो सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर है उसके टॉप पर, यहां पर जो ट्यूब सीट है, ट्यूब सीट से ऊपर ट्यूब्स होती है। ठीक है, ट्यूब्स ट्यूब सीट से ऊपर बाहर निकली रहती है। सेम इस तरीके से जैसे ये ट्यूब सीट है, इसके ठीक है ऊपर ट्यूब्स है। ठीक है, और ट्यूब सीट के ऊपर एक लिक्विड का जो फीड मिक्सचर है उसका पूल बना रहता है, ठीक है भरा रहता है, और जो ऊपरी सिरा निकला हुआ है ट्यूब्स का, ट्यूब सीट के ऊपर वाला सिरा, ठीक है, उसमें इस तरीके से रेक्टेंगुलर नोचेज या बीयर्स बने रहते हैं, जैसे ये बने हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या बने रहते हैं, हमारे रेक्टेंगुलर नोचेज या बीयर्स बने रहते हैं। इनकी सहायता से लिक्विड क्या होता है, ट्यूब के इनर सरफेस पर फिल्म की फॉर्म में फ्लो करता है। ठीक है, इसका नाम फॉलिंग फिल्म, ठीक है, मतलब जो लिक्विड है वो फिल्म की तरह फ्लो कर रहा है। ठीक है, पर वो फिल्म की तरह फ्लो कराने के लिए हमने जो ट्यूब्स का ठीक है अपर पार्ट है उसमें क्या किया है, बीयर्स बनाए हैं, और जो ठीक है तालाब बना हुआ है, तालाब का लिक्विड इन बीयर्स की सहायता से ठीक है क्या फिल्म की तरह डाउनवर्ड फ्लो होता रहता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करते हैं, फीड मिक्सचर को भेजते हैं, और यहां पर ठीक है फीड मिक्सचर ट्यूब सीट के ऊपर भर जाता है, और इन बीयर्स की सहायता से ठीक है ट्यूब्स की इनर सरफेस पर फिल्म की फॉर्म में ठीक है डाउनवर्ड फ्लो होने लगता है। ठीक है, अब इन ट्यूब्स में हमारा वीक लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब हमने सेल साइड स्टीम को फ्लो कराया,
सेल साइड स्टीम को फ्लो कराते हैं, तो स्टीम के द्वारा ठीक है यह भी क्लिप पर हीट अप होता है और ठीक है इसका ठीक है वेपराइजेशन स्टार्ट हो जाता है और नीचे तक आते आते हमें एक टू फेज सॉल्यूशन मिलता है, लिक्विड और वेपर का टू फेज सॉल्यूशन मिलता है जिसमें लिक्विड कंसंट्रेटेड होता है और इस पूरे टू फेज सॉल्यूशन को हम ठीक है सेपरेटर में लेके जाते हैं। सेपरेटर में जो वेपर्स होती हैं वो टॉप से रिमूव हो जाती है और जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है हमें बॉटम से प्राप्त हो जाता है ठीक है। और स्टीम ठीक है जब अपनी लेटेंट हीट रिमूव करती है तो वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और कंडेंसेट को इस चैनल के द्वारा निकाल लेते हैं ठीक है। अब इसमें कितना लिक्विड मिनिमम ट्रेवल करना चाहिए ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो हमारा ट्यूब बंडल है उसमें कितनी ट्यूब्स होनी चाहिए वो हम फीड मिक्सर पर डिपेंड करते हैं ठीक है, फीड मिक्सचर पर डिपेंड करता है ठीक है। अब किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि इतने फीड मिक्सचर के लिए ट्यूब्स बंडल में कितनी ट्यूबें होनी चाहिए या ठीक है इतनी ट्यूब्स के लिए कितना फीड मिक्सचर फीड करना चाहिए ठीक है। अब जो ये बियर्स हैं ठीक है इनसे जो लिक्विड डिस्चार्ज होगा ठीक है वो स्पेसिफिक अमाउंट में होगा ठीक है स्पेसिफिक अमाउंट में होगा, तो प्रत्येक बियर से हम जो लिक्विड फिल्म की तरह फ्लो कर रहा है ठीक है उसका अमाउंट हम क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे डिस्चार्ज के, जो बियर से जितना डिस्चार्ज हो रहा है वो कंसीडर कर लेंगे और एक ट्यूब में कितना लिक्विड फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर लेंगे ठीक है। जब एक ट्यूब में लिक्विड जितना लिक्विड फ्लो हो रहा है वो फाइंड आउट कर लिए, टोटल लिक्विड को ठीक है उस लिक्विड से डिवाइड कर दिया तो हमें नंबर ऑफ ट्यूब्स पता चल जाएंगी ठीक है। और अगर मिनिमम ठीक है कितना कम से कम ठीक है लिक्विड फ्लो होता है द मिनिमम लिक्विड रेट, मिनिमम लिक्विड रेट फॉर कंप्लीट वेटिंग ट्यूब ठीक है। तो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं 0.128 सिग्मा एस और मी की पावर पॉइंट ठीक है। अगर ठीक जो ट्यूब्स है उसमें कम से कम कितना लिक्विड फ्लो होना चाहिए जिससे ठीक है जिस लिक्विड के द्वारा ट्यूब्स जो ट्यूब्स का इनर सरफेस है वो कंप्लीटली वेट रहे गीला रहे ठीक है, तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं ठीक है 0.128 ठीक है ब्रैकेट में सिग्मा एस म्यू की पावर ठीक है 0.2 ठीक है। यहां पर सिग्मा सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड ठीक है, एस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, म्यू ठीक है हमारी विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अब इस मिनिमम अमाउंट से हमें ये पता चल जाएगा कि कितनी ठीक है कम से कम कितना लिक्विड ठीक है ट्यूब्स में फ्लो कराया जाएगा ठीक है और इतनी ट्यूब्स के लिए हमें कितना लिक्विड फीड करना चाहिए ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हम फीड मिक्सचर को डालेंगे ठीक है जिससे हमें बेस्ट परफॉर्मेंस प्राप्त होगी ठीक है। अब इन इक्विपमेंट्स को मोस्टली
हम जो हीट सेंसिटिव लिक्विड मिक्सचर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनमें ठीक है जो हमारा लिक्विड मिक्सचर और ठीक है स्टीम हॉट जो सीट है या ट्यूब है उसका कॉन्टेक्ट टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, इंडस्ट्री में हम मोस्टली इसका यूज जूस को कंसंट्रेटेड करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो अपर रेंज होनी चाहिए वो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी पर डिपेंड करती है। सॉल्यूशन की विस्कोसिटी ज्यादा से ज्यादा 100 सेंट्रीपॉइज से 500 सेंट्रीपॉइज होनी चाहिए। ठीक है, जो सॉल्यूशन की विस्कोसिटी है ठीक है वो कितनी होनी चाहिए 100 सेंट्रीपॉइज से ठीक है 500 सेंट्रीपॉइज होनी चाहिए। ठीक है, इससे अधिक विस्कोसिटी वाले सॉल्यूशंस को हम ठीक है इस इक्विपमेंट के द्वारा ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, सीधा सा इसका मतलब ये है अगर किसी सॉल्यूशन की विस्कोसिटी 100 सीपी से 500 सीपी के बीच में है ठीक है तो हम इस इक्विपमेंट के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।